नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी का पटाखा में। दोस्तों, नागिन 6 में आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि नागिन 6 में आ रही है काली नागिन शेषा। वो शेषा जो कि खौफ का दूसरा नाम है, वो शेषा जिसके आने से कहानी पूरी तरह से बदल जाएगी। क्या कुछ होने वाला है, चलिए हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में टीवी का पटाखा की। लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं। नागिन 6 में आ रही है काली नागिन शेषा, यानी कि अदा खान। नागिन 6 के लिए अदा खान ने शूट करना भी शुरू कर दिया है। नागिन में क्या रिश्ता है शेषा का प्रीति के साथ, और क्यों उसके आने से कहानी में पूरी तरह से बदलाव आएगा? वेल दोस्तों, हम आपको बता दें कि नागेश्वरी यानी कि प्रथा की माँ और शेषा की माँ, ये दोनों बचपन में दोस्त थे। महानाग रानी के साथ जो रिश्ता था शेषा का, वो तो सभी को पता है। और ऐसे में महानाग रानी ने ही शेषा को भेजा है प्रीति की रक्षा के लिए, जिससे सब कुछ याद दिला सके शेषा प्रीति को, उसकी अतीत की पूरी कहानी उसके सामने ला सके। और इसके साथ साथ शेषा आकर महक के पैरों की वो दिव्य पायल भी उतारेगी, क्योंकि शेषा को पता है कि किस तरह से नाग लोक में नागिनें छल करती हैं, और महक के छल के बारे में शेषा से अच्छा कौन जान सकता है। इसीलिए प्रीति को सिर्फ और सिर्फ अगर कोई संभाल सकता है, कोई समझा सकता है, तो वो शेषा है। शेषा आकर महक से ना सिर्फ पायल लेगी, बल्कि प्रीति की मदद भी करने वाली है और अतीत की कहानी प्रीति के सामने लेकर आने वाली है, बताने वाली है कि उसको भगवान भोलेनाथ ने क्यों नहीं होने दिया विराजित, क्यों भगवान भोलेनाथ ने उसे वापस धरती पर भेज दिया, क्यों? क्योंकि उसको अपने माँ बाप की मौत का बदला लेना है। और यहाँ पर आप सभी के लिए जानना जरूरी है कि रघुवीर कोई आम इंसान नहीं है, रघुवीर प्रीति का असली प्यार है। आप क्या कहेंगे, कमेंट्स में हमें ज़रूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।